सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। दूसरी शादी टूटने के बीच एक्स पति शालीन भनोत पर दलजीत कौर ने कस दिया है तंज। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इंट्रेंड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। निखिल पटेल से अलग होने के बाद एक्ट्रेस दिलजीत कौर काफ़ी चर्चाओं में हैं। इसी बीच उन्होंने अपने पूर्व पति शालीन भनोत पर तंज कसा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दिलजीत के इंस्टाग्राम पर एक कमेंट किया। जी हां, उनके पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि एक्ट्रेस को खराब समय में शालीन से कांटेक्ट करना चाहिए। इस पर दिलजीत ने शालीन पर ही तंज कस दिया और कहा कि उन्हें बेटे की चिंता तक नहीं है। दिलजीत ने बताया कि शालीन ने अभी तक उन्हें ना कोई मैसेज किया है और ना ही उन्हें कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बात में दिलचस्पी है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ, वो ज़रूर काफ़ी ज़्यादा बिजी होंगे। बताना चाहेंगे आप सभी को कि दिलजीत की पहली शादी शालीन भनोत के साथ हुई थी। दोनों की मुलाकात टीवी सीरियल शो कुल वधू के सेट पर हुई थी और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया दोनों को, जिसके बाद दिन पर दिन करीब होते गए। शालीन और दिलजीत ने साल 2009 में शादी कर ली थी, लेकिन 6 साल बाद 2015 में अलग हो गए थे। खैर, एक्ट्रेस ने अपने पूर्व पति पर घरेलू प्रताड़ना का आरोप लगाया था। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम जेडन है और वो इस समय दिलजीत के साथ ही रहता है। शालीन से अलग होने के बाद दिलजीत ने निखिल से मार्च 2023 में शादी की थी। हालांकि दिलजीत और निखिल की शादी भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकी और 10 महीने के अंदर ही दोनों के अलग होने की खबर आ गई। इस साल की शुरुआत में दोनों ने तलाक के लिए भी केस दायर कर दिया। हाल ही में एक बातचीत में निखिल ने कहा था कि इस साल की शुरुआत में दिलजीत ने अपने बेटे के साथ केन्या जाने का फैसला किया था और फिर बाद में वापस इंडिया लौट आईं। ये कारण बाद में दोनों के अलग होने की वजह भी बनी। हाल ही में दिलजीत ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर निखिल के खिलाफ कई आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि निखिल ने उनके साथ चीटिंग की है। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने निखिल पटेल के खिलाफ मुंबई के अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज करवाई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 316(2) के तहत निखिल के खिलाफ आरोप लगाए। खैर, शालीन की अगर बात की जाए तो वो खतरों के खिलाड़ी में काफ़ी ज़्यादा खबरों में हैं और उनकी तारीफें हो रही हैं, और इसी बीच ऐसा कमेंट करना दिलजीत का काफ़ी बड़े बड़े सवाल खड़े करता है। आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पर, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय ज़रूर बताएँ और इस अपडेट्स के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। Subscribe now for all the latest and trending updates.